نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب كان الناس أمة واحدة فبعث الله نبيين مبشرين ومنذرين صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم लायक नमाजी भाइयों दोस्तों बुजुर्गो अल्लाह रब्बुल इज्जत का लातादाद शुक्र के जिसकी तौफीक से दरसे कुरान के इन बाबरकत लम्हात में हम सब हाजिर हैं। दुआ है कि खालिक़े कायनात ये बरकत वाली घड़ियाँ हम सब के लिए निजात और बख्शिश का जरिया फरमाए। अल्लाह के फजल व तौफीक से आज दसवें रुकू की पहली तीन आयतें मुबारक का मफहूम आपके गोश गुजार किया जाएगा। कल के दस में आपने समाप्त किया कि जो काफिर थे अल्लाह और उसके रसूल के मुनकर थे वो हर वक्त इस इंतजार में रहते थे कि हम अगर झूठे हैं और हम अल्लाह रसूल की बात को नहीं मानते तो फिर हम पर अजाब आ क्यों नहीं जाता। तो इस बात के जवाब में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि सब बनी इसराइल कम आते ही और बिनाया कि भैया कि बनी इसराइल के लोगों से पूछो कि हमने उन पर कितनी निशानियां नाजिल की हैं। वमन युबद्दिल नेमत अल्लाह और जो अल्लाह की नेमतों का इनकार करता है मिन बाद मा जाअतहु नेमतें आ जाने के बाद फइन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब अल्लाह ताला सख्त अज़ाब देने वाला है। यहाँ पर अल्लाह ताला ने ये बात वाज़ह कर दी कि ये मत समझो कि मैं अजाब दे नहीं सकता या मैं अजाब पर कादिर नहीं हूँ, बल्कि फरमाया शदीदुल इक़ाब जहाँ पे अल्लाह रहमान है रहीम है वहाँ पर अल्लाह ताला शदीदुल इक़ाब सख्त अजाब देने वाला भी है। तो अल्लाह ने फरमाया कि मैं नेमतों की नाकदरी नेमतों की नाशुक्री और अल्लाह के नबियों के साथ तुम्हारा रवैया और खुली वाज़े निशानियाँ आ जाने के बाद अल्लाह के हुक्मों को ना मानने का मामला मैं देख रहा हूँ और जब मेरा अमल होगा हुक्म होगा तो जिस अजाब का तुम इंतज़ार कर रहे हो वो अजाब तुम्हें आ भी जाएगा। इसके बाद फरमाया ज़ुय्यिना लिल्लज़ीना काफ़रू अल-हयातु दुनिया फरमाया काफिरों के लिए दुनिया की जिंदगी को खूबसूरत बना दिया गया है। ये बात आपके जहन में रहे हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि अद-दुनिया सिजनुल मोमिन व जन्नतुल काफिर कि ये जो दुनिया है ये मोमिनों के लिए कैद खाना है और काफिरों के लिए जन्नत है। काफिरों के लिए जन्नत है। मोमिन जो अल्लाह उसके रसूल पर ईमान रखता है वो ये बात जहन में रहे कि ये आलम दुनिया है, यहाँ पे कुछ बातें कुछ काम हमारी ख्वाहिश के मुताबिक होंगे और कुछ काम और कुछ बातें हमारी ख्वाहिश के खिलाफ होंगी। कोई एक शख्स भी इस रूए जमीन पर ऐसा नहीं होगा जो ये दावा करे कि हर काम मेरी मर्जी से हुआ है या हर काम मेरी ख्वाहिश से हुआ है। ये आलम दुनिया है, यहाँ पर परेशानियां भी आएंगी मुसलमानों को, खुशियां भी आएंगी। तो दोनों हालतों में मुसलमानों की आजमाइश है कि वो मुश्किल में रब को कितना याद करता है और आसानी में रब के साथ कितना जुड़ के रहता है। क्या वो मुश्किल में अल्लाह से ना उम्मीद तो नहीं हो जाता
और खुशी में जो है तकब्बुर तो नहीं कर लेता, अगर दोनों हालतों में वो अल्लाह रसूल का दीन का दामन थाम के रखता है, ठीक है, तो रसूल का सब तराना नूर का है। तो हजरत इमाम हसन के जिस्म से वो शुआएं निकली ना, तो एक काफिर ने देख लिया और उसने कहा कि ऐ इमाम हसन, तुम्हारे नाना का तो ये फरमान है कि ये दुनिया काफिरों के लिए जन्नत है और मोमिनों के लिए कैद खाना है, अगर ये तुम्हारे लिए कैद खाना है तो फिर तुम्हें अल्लाह ने इतना प्यारा जिस्म क्यों दिया है? ऐसा जिस्म तो मेरा होना चाहिए था। आपका कितना कमाल का जिस्म है कि आप नहा के आए हो, आपके जिस्म से पानी के कतरे कतरे निकल रहे हैं, तो वो मुझे ऐसे लग रहा है कि जैसे आसमान से तारे टूट टूट कर गिर रहे हैं, और आपके जिस्म से जो है वो रोशनी जो नजर आ रही है वो ऐसे आ रही है कि कोई नूर की किरणें हैं जो आपके जिस्म से निकलती है, तो ये दुनिया रोशन हो जाती है। उस काफिर ने कहा, अगर ये आपके लिए कैद खाना है तो फिर ये आपका जिस्म यहाँ पे इतना खूबसूरत क्यों है? तो इमाम हसन ने फरमाया, ऐ काफिर, मेरे नाना ने जो फरमाया सच फरमाया, अल्लाह की इज्जत की कसम, अगर तू हमारी जन्नत को देख ले तो फिर तू इस दुनिया को हमारे लिए कैद खाना समझे, और अगर तू अपनी दोस्त को देख ले तो इस दुनिया को अपने लिए जन्नत समझा कर। तो जब ये अल्लाह ताला ने इस दुनिया की जिंदगी को काफिर के लिए मुजय्यन किया है, और शैतान का भी यही बात होता है, सूरह अल-हजर में अल्लाह ताला ने इस बात की वजाहत फरमाई कि शैतान का भी ये ऐलान है, कान रब्बी बिमा अग़वैतनी लउज़य्यनन्ना लहु फिल अर्ध, कि मैं जिसको भी गुमराह करूंगा उसके लिए जमीन को खूबसूरत बना दूंगा। इसलिए आज भी अगर आप देखें तो जो काफिर होते हैं, गैर मुस्लिम होते हैं, उनका सारा फोकस इस बात पर होता है कि हमारी दुनिया ठीक हो जाए। वो दुनिया के पीछे इस कदर दौड़ते हैं कि जहां से उनको डॉलर मिले, माल मिले, कब्जा करना पड़े, प्यार से मिले, वो दुनिया के पीछे जो है वो इस तरह पड़ते हैं कि जैसे उन्होंने हमेशा के लिए रहना है, और यहाँ पर जो है उनका पक्का डेरा लग गया है, और यही देखा देखी बदकिस्मती से हमारे यहाँ भी ज्यादा असर करती जा रही है कि दुनिया की मोहब्बत में हम जो है मादियत परस्ती का, मटीरियलिज्म का, पर्सनैलिटी का, और ऐसे ऐसे नजरियात की तरफ हमारी नस्ल बढ़ती जा रही है कि जो आरजी है, वक्ती है, चंद लम्हों के लिए, चंद दिनों के लिए। अल्लाह ने फरमाया कि काफिरों के लिए जो है दुनिया की जिंदगी को मुजय्यन कर दिया गया है, खूबसूरत कर दिया गया है। और आपने अक्सर ये गौर किया होगा कि आजकल के दौर में बिलखसूस के अगर अल्लाह ना करे हमारा एक आज का जवान वो गलत रास्ते पे चल पड़ता है, और वो किसी गलत मर्द का इंतखाब करता है या गलत औरत का इंतखाब करता है, पूरा खानदान उसको समझाने पे तुला होता है कि भाई ऐसे नहीं यार, ये गलत है, ये गलत है। वो कहते हैं नहीं, जो मुझे नजर आ रहा है वो तुम्हें नजर नहीं आ रहा, अगर मेरी आंखों से देखो तो मुझे कायनात का सारा हुस्न जो है वो सिमट कर यहां पे नजर आ रहा है, तुम तो अंधे हो। और अब ये क्या होता है, ये उसकी सोच ख्याल नहीं होता, ये शैतान का किरदार होता है कि शैतान उस मंजर को, उस चीज को उनके सामने ऐसे मुजय्यन करके रखता है कि वो फिर उससे निकलता नहीं है। तो इसलिए हमारे यहाँ हुस्न परस्ती जो बकायदा एक नजरिया बनती चली जा रही है, और हुस्न परस्ती बकायदा एक मंजर और टारगेट बनती जा रही है, तो इसकी बैक पे अल्लाह ताला ने हमें ये रहनुमाई फरमाने के लिए तुम्हारे लिए नहीं है बल्कि मोमिन के लिए अल्लाह ताला ने जो आगे इरशाद फरमाया वो और बात है। फरमाया सुन्नत अल कज़िना काफिरों वल हयात दुनिया, काफिरों के लिए दुनिया की जिंदगी मुजय्यन कर दी गई है, व यस्खरून मिनल कज़िना आमनू, इसलिए वो अहले ईमान का मजाक उड़ाते हैं। जब हजूर की बार हजरत अबू हुरैरा जैसे सहाबी बैठते, हजरत सुहेब रजी अल्लाह तआला अन्हु जैसे सहाबी बैठते, हजरत खुदाब रजी अल्लाह तआला अन्हु जैसे सहाबी बैठते, ये मालिक तौर पर कमजोर थे, ये
जो से आपा माली तौर पर कमजोर थे, ईमान के एतबार से, बातिन के एतबार से तो उनका मुकाबला ही नहीं था, लेकिन जाहिरी एतबार से कमजोर थे, तो वो काफिर ये कहकर चले जाते थे कि हम इन गरीबों के साथ बैठे, हम इनके साथ बैठे, इनके पास तो है ही कुछ नहीं। अब ये जो नजरिया है, कंसेप्ट है, ये काफराना सोच है, ठीक है। इस बात को देखना चाहिए कि चाहे बैठने वाला किसी झुग्गी में क्यों ना रह रहा हो, किसी चटाई में क्यों ना बैठा हो, अगर वो अल्लाह का ताबेदार है तो अल्लाह की इज्जत की कसम, यहाँ की जो उसकी चटाई है, इसी चटाई को अल्लाह ताला इसके लिए जन्नत का महल बना देता है। यहाँ पे जो है चटाई पे बैठने वाला ईमानी एतबार से अगर ठीक है, अल्लाह ताला उसको वो रुतबा अता करता है कि जो बजाय किसी महल में रहने वाले को अता नहीं करता। और ये अल्लाह ने खुद इरादा फरमाया, والذين تقوا فوقهم يوم القيامه, फरमाया ये जो मुत्तकी है, ये जो मुझे मानने वाले हैं, ये कयामत के दिन बुलंद दर्जे पे होंगे, बुलंद दर्जे पे होंगे, ये उनसे ऊपर होंगे जो आज इनको देख के मजाक उड़ाते हैं, जो आज इनको देख के बातें करते हैं। बल्कि एक मरतबा गैर मुसलमानों का एक काफिला आया और उसने जब गरीब सहाबा को देखा ना कि ये हजूर के पास बैठे हैं, तो उन्होंने बाहर खड़े होकर ये कहा कि अरे अभी इनको उठा दो, हमारी तौहीन है कि हम इन गरीबों के पास बैठे, इनके पास बैठे, हम फिर आएंगे। तो अल्लाह ताला ने आयत नाज़िल फरमा दी उनके हक में और अल्लाह ने फरमाया, महबूब ये काफिर आते हैं आए, नहीं आते ना आए, ये कलमा पढ़ते हैं पढ़े, नहीं पढ़ते नहीं पढ़ते। फरमाया ऐ महबूब, ये जो गरीबों का काफिला आप पर जान निछावर के लिए यहाँ पे बैठा है, उनके लिए इनको अपने दर से नहीं उठाना, ये तो हर वक्त रहते ही इस इंतजार में है कि वो घड़ी आए जिस घड़ी में हम पर अल्लाह भी राजी हो जाए और उसका रसूल भी राजी हो जाए। इनको नहीं उठाना, वो पढ़ते हैं कलमा पढ़े, नहीं पढ़ते ना पढ़े। फरमाया क़यामत के दिन जो है इनका दर्जा बुलंद होगा, वल्लाहु यरज़ुकु मन यशाउ बिग़ैर हिसाब, और अल्लाह ताला जिसको चाहता है बगैर हिसाब के रिस्क देता है। ये अल्लाह की तकसीम है, वो किसी को देता है हिसाब के साथ कि ये अपनी औकात से बाहर ना निकले, और किसी को बगैर हिसाब के देता है कि मैं देखूं कि ये मेरी राह में खर्च कैसे करता है, ये ज्यादा माल में आकर तकब्बुर में तो नहीं आ जाता, गरूर में तो नहीं आ जाता, अपने आप को भूल तो नहीं जाता, तो बगैर हिसाब। और ये बगैर हिसाब वाला मामला अल्लाह का उनके साथ होता है जो अल्लाह के साथ बगैर हिसाब के रहते हैं, अल्लाह के साथ बगैर हिसाब के रहते हैं, और जो अल्लाह के साथ हिसाब किताब करते हैं फिर अल्लाह भी उनके साथ हिसाब से रहता है, ठीक है। फरमाया काना उम्मतन वाहिदा, काना नास उम्मतन वाहिदा, सब लोग एक दीन पर थे, सब लोग एक दीन पर, और वो दीन क्या था, दीन इस्लाम था, ठीक, सब लोग एक दीन पर थे। फिर उनके दरमियान इख्तलाफ आ गए, लोग तकसीम होते गए, बढ़ते गए, जिस तरह आजकल मतलब हम कई तकसीमों में पड़े हुए। फबास अल्लाह नबीन मुबशरीन व मुनज़रीन व अनज़ल अल्लाह अल-किताब बिल-हक़ लियहकुम बैन-नास फीमा इख्तलफू फीह, जब लोगों ने इख्तलाफ किया अल्लाह ने फिर लगातार नबियों को भेजना शुरू कर दिया, नबी भेजे और फरमाया वह अनसला किताब, और उनके साथ किताबों को भी भेजा। अब ये रिश्ता अल्लाह ने बनाया नबी का और किताब का, ये उस्ताद भी है और साथ किताब भी लेके आया है। ये इसलिए मैं आपको बात बतौर खास समझा रहा हूँ, आजकल एक ट्रेंड चला हुआ है और उसको प्रमोट किया जा रहा है कि तर्जमे वाला कुरान लो और खुद घर बैठ के पढ़ लो, उधर बैठ के पढ़ो और अपनी मर्जी की जो बात तुम्हारे जहन में आती है वो समझते जाओ, और इस तरह जो है तुम कुरान का तर्जमा भी पढ़ लोगे और तुम्हें किसी की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ये कुरान के करीब करने से ज्यादा ये कुरान से दूर करने का नजरिया है। कोई शख्स बगैर उस्ताद के और बगैर मुर्शिद के वो साइकिल का टायर ट्यूब नहीं बदल सकता, वो उस्ताद के बगैर इस अजीम किताब को कैसे समझ सकता। इसलिए कभी भी इस नजरिए में नहीं आना कि हम प्रैक्टिस को समझे, नहीं, इसको समझने के लिए बहुत सारी चीजों की जरूरत है, ठीक है। और हर अहले बहरे नथु खहरे का काम नहीं है कि वो अल्लाह की किताब को पढ़े और कहे कि मैंने समझ लिया,
वरना कदम कदम पे ऐसी आयात हैं, ऐसे आकाम हैं कि वो सुधरने की बजाय बिगड़ने का खतरा है। ठीक है, तो 10 साल एक बंदा दीन को पढ़ने के लिए लगाता है, तो इसलिए उसको पता होता है कि इसमें ग्रामर का क्या कहना है, असूल का क्या मामला है, फिका का क्या मामला है, हदीस का क्या मामला है। हम आलिम कोर्स करते हैं, अल्लाह ताला हर तालिबे इल्म को ये तौफीक अता फरमाए। ये जो 10 साल का कोर्स होता है आलिम का, ये आपके जहन में रहे कि उस 10 साल के कोर्स में 32 इल्म पढ़ाए जाते हैं, 32 इल्म पढ़ाए जाते हैं। ये हमारे यहाँ चूंकि एक ये सोच नहीं है ना हमारे बसों सिर्फ नाजिर थ्योरी मौलवी साहब, सिर्फ नाजिर थ्योरी मौलवी साहब जिन्हें 10-15 सूरत में याद की थी, वही मौलवी साहब ते जिन्हें सारी जिंदगी पढ़न पढ़ान बना दी थी, वही मौलवी साहब। ठीक है, ये तो हमारी नजर का कसूर है ना कि हमने उस दाढ़ी वाले को उसका मकाम नहीं दिया, उसका जो है रुतबा और दर्जा नहीं दिया। तो 10 साल का जो आलिम कोर्स करता है वो 32-33 इल्म पढ़ता है, उसमें कुरान होता है, हदीस होती है, फिका होता है, असूल फिका होता है, ग्रामर होती है, मंतिक होती है, बलागत होती है, बाकी इंग्लिश में तक शामिल हो गई है। तो फिर 10 साल में 32 इल्म हासिल करने वाला वो जब कुरान को पढ़ता समझता है तो उसका पढ़ना समझना और होता है, और सिर्फ तर्जमा पढ़े और कहें कि मुझे समझ आ गया, ये नहीं हो सकता। तो अल्लाह ने यह तरीका बताया, नबी भेजे और साथ किताबें भी, तो इसलिए उस्ताद और किताब का रिश्ता ये बहुत जरूरी है। आजकल ऑनलाइन सिस्टम ऑन हो रहा है, कोशिश किया करें कि ऑनलाइन सिस्टम में कम जाए, अपने बच्चों को फिजिकल एजुकेशन ज्यादा दे रहा। एक जो फिजिकल एजुकेशन होती है इसमें अल्लाह की तरफ से एक बरकत और नूर होती है। ऑनलाइन सिस्टम से बच्चा पढ़ तो लेता है, बच्चा नॉलेज हासिल कर लेता है, लेकिन जो फिजिकल एजुकेशन का तरीका रब की तरफ से बनाया गया है उससे वो बच्चा महरूम हो जाता है। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि मुर्गी आए ना, वो कुड़क पे आती है मुर्गी, तो क्या करते हैं कि उसके सीने के नीचे जो है वो अंडे रखे जाते हैं, और वो 21 दिन उन अंडों पे बैठती है, अपना सीना रख के बैठती है, कोई और काम नहीं करती। ऐसा नहीं करती कि बाहर से कोई चारा लेके आती है तो अंडों पे डालती है, बाहर से कोई पानी लेके आती है तो अंडों पे डालती है, कुछ भी नहीं, सिर्फ उन अंडों पे सीना रख के बैठती है। तो इमाम गज़ाली फरमाते हैं कि अल्लाह ने उस परिंदे के सीने में ये कमाल रखा है, अगर उसका सीना 21 दिन मुर्दा अंडों पे पड़ा रहे तो अल्लाह मुर्दा अंडों से जिंदा बच्चे निकाल देता है, जिंदा बच्चे निकाल देता है। तो फरमाते हैं कि उस्ताद आलिम शेख वादा उसका जो सीना होता है वो भी अल्लाह की बरकतों से भरा हुआ होता है। जब बच्चे फिजिकली तौर पर उसके सामने होते हैं तो जिस तरह अल्लाह मुर्दा अंडों से मुर्गी के सीने की वजह से जिंदा बच्चे निकाल देता है, तो उस्ताद के सीने से भी अल्लाह मुर्दा जमीर शगिर्दों के जमीर को जिंदा फरमा सकता। ये अल्लाह ताला ने फरमाया कि अल्लाह ने रसूल भेजे, किताबें भेजी, इसलिए लेयहकुम बैनन्नास, ताकि वो रसूल उस किताब के मुताबिक लोगों के दरमियान फैसला करे। तो ये अल्लाह की जो किताबें हैं इन पे अगर सब मुत्तफिक हो जाए कि जो इसका फैसला है वो सबको काबिल कबूल है, तो आज भी इख्तलाफात, ये फिरके, इंतहा पसंदियां खत्म हो सकती है। तो ये किताब सिर्फ इसलिए नहीं आई कि इसको अल्लाह माता सा पढ़ के बंद करके रख लिया जाए, इसलिए नहीं आई कि नासा पढ़ के बंद कर दिया जाए, नहीं, लेकिन को मबीना नास लोगों के दरमियान इसके मुताबिक फैसले किए जाए। आज बदकिस्मती से 58 इस्लामी मुल्क है, ये हमारे लिए लम्हा फिक्रिया है, 58 इस्लामी मुल्कों में एक मुल्क भी नहीं है कि जहां पर अल्लाह की किताब का हुक्म लागू। 2 अरब मुसलमानों में एक छोटा सा खत्ता भी नहीं है कि जहां पर अल्लाह की किताब का हुक्म लागू हो, पढ़ी जा रही है, समझी भी जा रही है, ढेर लगे हुए हाफिज़ों के भी, पढ़ने वालों के भी, नजर वालों के भी। असल मकसद तब पूरा होगा जब इसका हुक्म अपने ऊपर लागू करेंगे, जब इसमें हलाल शुदा चीजों को हलाल जानेंगे, हराम को हराम जानेंगे, और फिर इंशाल्लाह ये माहौल बरकत वाला होगा, और फिर हमारी कैफियत ये होगी
अगर कुरान के अहकाम को अपने ऊपर लागू करते हैं तो अल्लाह की इज्जत की कसम, फिर हाथ उठाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी दुआ दिल में होगी, जुबान पे भी नहीं होगी कि अल्लाह ताला पहले पूरा फरमा दे। हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जिस जगह पे एक हद लागू हो जाए, एक हद, अल्लाह ताला 60 साल तक उस जगह को अपने अजाब से पाक कर देता है। 60 साल एक हद लागू हो, तो जहां पे अल्लाह के सारे कुरान की हदें लागू, सारे हुक्मों को इंप्लीमेंट किया जाए, तो फिर वहां पे अल्लाह की बरकतों का क्या आलम होगा। अल्लाह के हुजूर इल्तिजा है कि अल्लाह ताला हमें तात में जिंदगी इन आसमानी किताबों के साथ जुड़े रहने, इनके अहकाम को सीखने समझने और उन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आखिर दुआ अल्हम्दुलिल्लाह اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.